फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अन्नपूर्णेश्वरी पाकशाला में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं कुछ मीठा। तो मीठे में मैंने बनाया है गुलाब जामुन, बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल खाते ही मुंह में घुल जाने वाले मक्खन जैसे गुलाब जामुन बनाया है मैंने। तो आप इस तरह से बनाना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहिए। तो इसे मैंने गाय के दूध से बनाया है, तो प्योर गाय का दूध था, मैंने उसे अच्छी तरह से उबाल कर खोआ बना लिया था, तो उसका जामुन है ये। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा 100 ग्राम, आप इसके बदले मैदा भी ले सकते हो। और ये है खोया, जो मैंने आपको बताया था कि गाय का दूध से मैंने खोआ बनाया है, तो ये है वो खोआ। तो बिल्कुल प्योर 1 लीटर दूध था गाय का, तो उसे मैंने अच्छी तरह से उबाल कर खोआ बना लिया है। और ये बहुत ही सॉफ्ट खोआ बनाया है, तो देखिए कितना सॉफ्ट है ये। मैंने आपको इसे दिखाना भूल गई कि खोआ कैसे बनाता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी गाय का दूध का खोआ कैसे बनाते हैं। तो मैंने 100 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और 200 ग्राम खोआ। तो आप ध्यान रखिए, 200 ग्राम खोआ हुआ तो 100 ग्राम गेहूं का आटा होना चाहिए, और साथ में ये है दूध इसे मिक्स करने के लिए। और मैंने यहाँ पर लिया है बेकिंग सोडा, तो सिर्फ 1 चिटकी ही बेकिंग सोडा लगेगा। और चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम शुगर और थोड़े से इलायची फ्लेवर के लिए। तो खोवा को यहाँ पर अच्छी तरह से हमें मैश करना है, इसे अच्छी तरह से मसल कर बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है, और भी सॉफ्ट बनाना है। तो देखिए खोवा कितना सॉफ्ट है, आपको दिख रही है ना, बहुत ही सॉफ्ट है ये। तो इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है और इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो 200 ग्राम खोया है, 100 ग्राम गेहूं का आटा। तो जरूरी नहीं है गेहूं का आटा ही डालिए, आप मैदा भी डाल सकते हो, पर गेहूं का आटा डालने से हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप इस मेजरमेंट से बनाओगे तो बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी जामुन बनेंगे। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर डाल दिया बेकिंग सोडा, सिर्फ 1 चिटकी ही डाला है मैंने। तो देखिए ये कितनी अच्छी तरह से बाइंड होने लगी है, बिल्कुल पूरा घी छोड़ चुकी है ये। तो अभी हम इसमें दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे, एकदम से ना डालिएगा। तो इसे थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है यहाँ पर, तो इसे हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल सेट हो जाने के लिए। तो 1 घंटे हो चुके थे, तो यहाँ पर मेरी मम्मी ने जामुन बनाने के लिए आटे को राउंड शेप दे दिया है। तो 200 ग्राम खोया से 40 जामुन मीडियम साइज के बना लिए हैं मेरी मम्मी ने। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं हमें भी। तो फ्राई करने से पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक बर्तन लिया है और शुगर लिया है 200 ग्राम। तो 2 कटोरी शुगर यानी 250 ग्राम है ये, और इसे हम अच्छी तरह से उबालेंगे। हमें एक तार की चाशनी बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सूखा जामुन नहीं बनाना है यहाँ पर। अगर आपको सूखा जामुन बनाना है तो आप एक तार की चाशनी बना सकते हो, तो हमें लिक्विड जामुन चाहिए, तो इसीलिए सॉफ्ट चाशनी ही हमें बनानी है। मतलब जब आप चाशनी को हाथ से प्रेस करोगे तो चिपचिपी होनी चाहिए। तो देखिए चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो हम इसे साइड में रख लेंगे ठंडे होने के लिए। अब हम जामुन को फ्राई करेंगे। तो गैस पर कढ़ाई रख दिया है और तेल भी गर्म हो चुका है, तो इसमें डालेंगे जो राउंड शेप दे चुके थे हम खोए को, उसे इसमें डालकर हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। क्योंकि अगर आपने हाई फ्लेम पर इसे फ्राई किया तो ऊपर से तो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, पर अंदर बिल्कुल कच्चे ही रह जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, आपको मीडियम फ्लेम या फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आपको इसे फ्राई करना है। तो देखिए जामुन फ्राई हो चुके हैं, कलर भी अच्छी तरह से आ चुका है इसमें। तो इसे मैं डायरेक्ट कढ़ाई से चाशनी में डाल रही हूँ। तो इस तरह करने से बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और आपको बहुत देर रखने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने 2 घंटे ही रखा था इसमें,
जामुन बनकर तैयार हो गए हैं, आप 2 घंटे में इसे खा सकते हो आराम से। तो आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।